थी भैया डिंपल I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. Hi guys, welcome back to my channel. Today you are watching Always Rahul and finally guys, मेरा 500 subs complete हो गया. Thank you very much for that. और अभी guys 10:23 हो रहा है सुबह के बिल्कुल. कोई नहीं बोलेगा कि मैं अभी उठाऊँ. मैं एक्चुअली उठाऊँ 8:30 बजे. तो 8 बजे नींद टूट गया था, लेकिन उसके बाद बेड पे ही ऐसे पड़ा हुआ था. उसके बाद अभी मतलब थोड़ा उठा, मैं सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं. 2 दिन से ब्लॉग तो गया नहीं है. तो आज है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट मैच. मेरा मैच नहीं है आज, हम लोग जाएंगे देखने मैच. अब लॉन्ग पिच का मैच है, हाथ घुमा के बॉलिंग होगा, मजा आएगा. तो चलेंगे देखने, रिएक्शन रिएक्शन एकदम होगा. तो अभी चलते हैं, थोड़ा ब्रश करते हैं. ब्रश नहीं किया मैंने, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ अभी तक. अब गाइज 500 सब्स कंप्लीट होने पे एक चीज़, अभी अक्टूबर के बाद से एक रूल, नया गाइडलाइन आया है यूट्यूब में कि अगर आपका 500 सब्स कंप्लीट हो जाता है तो या 2 हफ्ते के बाद आपका कम्युनिटी टैब आपका इनेबल हो जाएगा. तो मैंने ट्विटर में ट्वीट किया यूट्यूब को, ट्विटर में रिप्लाई आया है कि 2 हफ्ते के बाद आपका हो जाएगा अगर आप एलिजिबल हो तो. मे भी 2 हफ्ते बाद हो जाए, लेट्स सी. कम्युनिटी टैब अगर इनेबल हो जाता है तो. और गाइज एक चीज़, और आज है 9 तारीख, लेकिन 1 तारीख के बाद से ठंडा बिल्कुल कमते जा रहा है. आजकल एकदम ठंडा ही नहीं लगता है, मतलब इस साल ठंडा पड़ा ही नहीं. 2-3 दिन, 3-4 दिन जो भी पड़ा था, लेकिन बिल्कुल भी इस साल ठंडा नहीं पड़ा. इस साल मतलब मेरा बोलने का मतलब है 2021 और 2022 मिला के मैं बोल रहा हूँ. और गाइस एक्चुअली मैं काफ़ी जगह पे वाइड एंगल लेंस से ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम होता है कि वाइड एंगल लेंस का जो मेगापिक्सल है काफ़ी कम है. तो इसके वजह से मैं बनाता तो हूँ 1080p पे, लेकिन वो शूट होता है 8 मेगापिक्सल पे. तो इसके वजह से क्वालिटी जो है ना काफ़ी गिर जाता है. तो लो लाइट में तो मैं कतई यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मेरा नॉर्मल कैमरा ही लो लाइट में देता है. मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि एक वाइड एंगल लेंस खरीदा जाए, मतलब एक्सटर्नली मैं अटैच कर सकूँ वैसा वाला. देखा होगा आप लोगों ने भी काफ़ी जगह पे कि यूज़ होता है, तो वैसा मैं प्लान कर रहा हूँ. कुछ दिन जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं. अगर ले लेंगे तो फिर मेन कैमरा में लगा के देखेंगे, क्वालिटी भी नहीं गिरेगा, ऊपर से और फ्रेम वाइड भी हो जाएगा, ये भी एक सही चीज़ है. और अभी सोहेल आ रहा है, उसको मैंने कल बुलाया था, लेकिन उसने बोला कि अभी हमारे यहाँ पे सुबह 6 से शाम 6 के अंदर आपको जो करना है कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप निकलते हो तो उसके बाद आप नहीं निकल सकते हो, लॉकडाउन है. आप फालतू नहीं निकल सकते हो, आप काम से निकल रहे हो तो ठीक है. तो उसके वजह से वो नहीं आया कल, तो अभी सुबह वो अभी आ रहा है. फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे साथ में यहाँ से मैच. अभी मैंने उसको रिकमेंड किया था कि सरलोक काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज है, मेरे को काफ़ी मजा आया था. गेमर ब्लॉग क्या नाम तुम्हें खेल ना गेमर ये না গো তুমি খেলছো না এখন আমি খেলি না ওটা দীপক খেলে আমার ভাই খেলে ওটা तो दोस्तों अभी तो सेकेंड इनिंग्स ही चल रहा है और 5 ओवर में 68 रन का टारगेट मिला है. सुनने में आ रहा है दोस्तों बोल रहे हैं कि काफ़ी मार हुआ है, लेकिन अभी मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ है नहीं हुआ है. सौदा था अरे आया क्या हुआ ये? अरे मेरे को लगा कि छक्का हो गया, मैं कैमरा में देख रहा था ना, बोल्ड हो गया गाइस, बोल्ड. तो गाइस लास्ट ओवर में 35 रन की जरूरत थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया. ये सेकंड मैच स्टार्ट हो चुका है, अभी ये पहला बॉल डालेंगे, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है. वो काफी सही था भैया, जब हम वीडियो बना रहे वाइड, लेकिन बैट पे नहीं लग रहा. रन का मौका मिल गया यहाँ पे, इसके साथ दो बॉल का इशारा वहाँ पे स्कोर बोर्ड पे.
মারবে একটা, এটা কি বল ভাই, দারুণ বোলিং করছে। Behind the scene. জিতে জিতে ম্যাচ জিতে একদম আপনার মেরে লাভ ভিডিও ক্রেডিট গোস টু মুম্বাদা अपना जो मेन टीम है सब तो बाहर हो गया, अभी हम लोग शॉर्ट पिच खेलेंगे यहाँ पे अपने में। गाइस अभी घर वापस आ गया और अभी दो शॉर्ट पिच का मैच खेला, अभी 2 बज रहा है तो अभी नहाना पड़ेगा, नहाया नहीं हूँ अभी तक मैं। काफी मजा आया आज खेल के, और वो जो मैच चल रहा था मैच सीरियसली बोलूँ तो मैंने उतना कुछ देखा ही नहीं। मेरे को पहला 2 मैच देखा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर बाहर से टीम आए थे ना, तो अगर आपके मतलब जान पहचान वाले प्लेयर नहीं रहते हैं तो आपको मजा नहीं आता है, तो एग्जैक्टली सेम चीज वही हुआ। उसके बाद शॉर्ट पिच खेले, तो आज प्लान किए कि जहाँ पे आज शॉर्ट पिच खेल रहे थे अभी 3 बजे जाएंगे, 3:30 बजे तब जाके वहाँ पे खेलेंगे। एक टेप में देने से यही होता है, सांस फूल जाता है ना एक बार में दे रहे हो, तो अभी चलते हैं नहाने। और गाइज एक चीज तो वीडियो में डालना ही भूल गया था, तो पहले सोचा कि पहले बता देता हूँ उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। वो चीज छोटा सा अनबॉक्सिंग है, अगर वो चीज आपको अच्छा लगता है तो वो चीज डिस्क्रिप्शन में है, लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत खरीदिए, तो आगे आप देखो और जज कीजिए और खरीदिए। बोल्ट स्टॉर्म एक्स फोकस कुछ और है, आप सोचोगे पहले क्यों अनबॉक्स कर रहा हूँ, क्योंकि चेक करना जरूरी है, डायरेक्ट मैं गिफ्ट दीपक के हाथ में तो नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए अभी चेक कर रहा हूँ। और आप भी खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर भी आप भी अपने लिए खरीदना चाहते हो, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, 300 के अंदर सबसे सही प्रोडक्ट है। अभी तो यूज करके मैं आपको और आगे रिव्यू दूंगा, इसको फाड़ते हैं उसके बाद इस फोन में कनेक्ट करके चेक करेंगे। तो ये क्या है, अटैच हुआ हुआ है, पता नहीं पता नहीं। और ये कुछ, ये वारंटी कार्ड। एक चीज जो है जो मुझे लग रहा था और वो एक्चुअली हो रहा है, देखिए सनरेज बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझे पता चल ही रहा था क्योंकि काफी गर्मी पड़ गया है कुछ दिनों से, तो अब बारिश होगा लगता है कुछ दिनों में। अगर बारिश नहीं भी होता है, क्लाउड जब तक नहीं हटेगा तब तक ऐसा गर्मी रहेगा। गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, कोविड ओविड के चक्कर में अभी मतलब केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम जैसे स्टूडेंट्स क्लास 10-12 वाले काफी ज्यादा पिस रहे हैं इसके चक्कर में। मतलब अभी एग्जाम होगा कि नहीं, क्या होगा, एग्जाम तो होगा इतना श्योर है, लेकिन कैसे होगा,
ऑनलाइन होगा कि नहीं, ऐसा अभी चीज चल रहा है। तो अभी काफी सारे वीडियोस में अभी सुनने में आया है, काफी सारे आर्टिकल्स में भी अभी सुनने में आ रहा है कि कल प्रोबेबली शाम तक लिंक आ सकता है टर्म वन रिजल्ट का। रेडी रहिएगा, ये ब्लॉग तो कल सुबह जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि कल आ सकता है टर्म वन रिजल्ट का लिंक। सीबीएसई का वेबसाइट चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई आजकल बता के नहीं डालता है, ऐसा नहीं बोलता है कि टर्म वन का रिजल्ट आने वाला है, मतलब कोई नोटिस वगैरह नहीं निकलता है, डायरेक्टली निकल रहा है क्योंकि बहुत बिजी हो जाता है सर्वर। उससे क्या होता है ना कि सर्वर एक टाइम पे इतने लोग अगर एक सेकंड में लॉग इन करते हैं, लिंक खोलते हैं, तो सर्वर क्रैश हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि सर्वर काफी बिजी होता है। तो इसके वजह से अभी सीबीएसई बता के नहीं करता है, जो कि अच्छा डिसीजन है। और आजकल सोशल मीडिया है ही, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं अगर आप बता के नहीं करोगे, सबको पता चल ही जाएगा। अभी ऊपर ही शॉर्ट पिच खेलूंगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ आर्यन के घर, अभी गुम्बदा के घर गया था लेकिन वो अभी कुछ काम कर रहे हैं, तो इसके वजह से फिर बोले कि बाद में, अभी तू निकल जाए, उसके बाद मैं अभी आर्यन को बुलाने जा रहा हूँ, उसके साथ चलूंगा, उसके बाद गुम्बदा भी आ जाएंगे, तो चलते हैं। ओहो भाई साहब, इतना ज़्यादा बाइक्स, मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ। सच्ची बताऊँ तो गाइस, कुछ दिन पहले दुर्गापुर में मेला बैठा था, इतना ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगा यहाँ पे, आप बाइक चूज करके खरीद सकते हो। अभी मैच तो चल रहा है, पूछते हैं दोस्तों से आगे बैठे हैं कि कौन सा मैच चल रहा है। तो दोस्तों अभी सेमीफाइनल वन चल रहा है, वन का सेकंड इनिंग्स चल रहा है, आज ही फाइनल वाइनल सब खत्म हो जाएगा एक ही दिन में। ओवर थ्रो में चारना क्या? अरे दो रन हो गया था वैसे। कौन जीता? तो बैटिंग टीम गुम्बदा आ चुके हैं, और यहाँ ऊपर से देख रहा हूँ मैं बैठ के सेमीफाइनल टू, तो अभी एंजॉय कर रहा हूँ ऊपर से ही सेमीफाइनल टू, तो यहीं से देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। वहाँ पे एकदम जबरदस्त वाला कमेंट्री चल रहा है। गाइस सच्ची बताऊं तो दोनों टीम कहाँ का है कुछ कोई आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन अभी फाइनल मैच चल रहा है गाइस, और ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। उसके बाद अचानक से इतना बड़ा जंप इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसके बाद घर वापस आ गया था, मैंने फाइनल मैच देखा भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं किया, क्योंकि मम्मी ने मुझे कॉल करके बुला लिया। एक्चुअली कल मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, अपनी नानी घर जा रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ काम है, बहुत ज़रूरी काम है, तो अचानक से जाना पड़ रहा है। कल का ब्लॉग तो आएगा ही, कल मैं यहाँ से घर से निकलूँगा 3:30 बजे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, या रात को भी बोल सकते हो क्योंकि ठंडा में आपको ऐसे भी पता है कि सनराइज कितना लेट होता है। तो ब्लॉग तो जाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहता है, ब्लॉग बनाऊंगा भी तो हो सकता है कि लेट से जाएगा, तो काफ़ी लंबा चौड़ा गैप आने वाला है बीच में। सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना दिन मैं वहाँ पे रहता हूँ, अगर जल्दी हो जाएगा तो जल्दी आ जाऊँगा घर वापस, लेकिन अभी जाना पड़ रहा है, अभी लॉकडाउन भी पड़ने वाला है यहाँ पे, तो टाइम भी इनके लिए लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है उड़ीसा, और टिकट हो चुका है और पैकिंग भी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मैंने लिया है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।